रेडी स्टार्ट। महोदय, एक उदाहरण है जो बोर्ड के सीधे कार्यक्षेत्र में नहीं आता, फिर भी वह है सामाजिक अपव्यय को रोकने के महत्व का। विवाहों और भोजों आदि में जो धन का अपव्यय होता है वह घटने के बजाय बढ़ रहा है। विकास से जिन लोगों को लाभ पहुंचा है वे दूसरों पर अपनी सफलता का रोब गाँटना चाहते हैं। दहेज का विरोध जो कुछ समय पहले काफ़ी ज्वलंत प्रश्न था अब पीछे पड़ गया है। यद्यपि यह कुरीति आज भी उसी तरह जीवित है। अस्पृश्यता के बारे में आज कानून मौजूद हैं, लेकिन आज भी बहुत से स्थानों पर यह बुराई फैली हुई है। लोग इसे सरकार पर नहीं छोड़ सकते कि वही इसे हटाने के लिए कदम उठाए। इसके लिए तो उन्हें स्वयं कुछ ना कुछ करना होगा, खासकर समाज कल्याण के क्षेत्र में। अकेली सरकारी कार्रवाई काफ़ी नहीं हुआ करती। जनता और सरकार दोनों को मिलकर एक दूसरे का हाथ मजबूत करना चाहिए और पूरे अधिकतम सहयोग से काम करना चाहिए। अपने कार्यक्रमों को पूरा करने के अलावा समाज कल्याण संगठनों को भी अंधविश्वासों से लड़ने और लोगों में तर्कसंगत रवैया अपनाने की ओर ध्यान देना चाहिए। समाज सेवी संस्थाएं दैनिक जीवन में वैज्ञानिक चिंतन को लोकप्रिय बनाने के लिए बहुत कुछ कर सकती है। जाति या समाज के नाते हम लोगों को स्वास्थ्य और शिक्षा की ओर कहीं अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके लिए आवश्यक है सही वातावरण, आदतें और सामाजिक दृष्टि, ताकि हमें अपने या अपने आसपास के लिए उचित सफाई, बेहतर पोषाहार और स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त हो सके। सफाई के बारे में हमारा कुछ अजीब रवैया है। हम अपने घर की तो सफाई करते हैं पर कूड़ा करकट दरवाजे पर ही डाल देते हैं। हम स्वयं तो रोज़ नहाते हैं पर हमारी सड़क या गली गंदी है, जिसकी जरा भी चिंता नहीं करते। बड़े शहरों में और उन इलाकों में भी जहां पढ़े लिखे और खाते पीते लोग रहते हैं, कूड़ा करकट जमा रहता है और कोई इसकी परवाह नहीं करता। स्पष्ट रूप से यह स्त्रियों की संस्थाओं और समाज कल्याण संगठनों का काम है। समाज कल्याण संस्थाओं के लिए परम आवश्यक है कि वे समूचे क्षेत्र के सुधार के लिए आपसी तालमेल रखें। सरकारी विभागों का आपसी तालमेल भी बहुत ज़रूरी है। यह उनके लिए भी उतना ही ज़रूरी है जो शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन इत्यादि के काम में लगे हुए हैं। मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आप लोग गांव पर अधिक ध्यान दे रहे हैं। हमारे देश का जीवन स्तर तभी ऊपर उठ सकता है। सभापति महोदय, मैं वित्त विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ। उत्तर प्रदेश की आबादी बहुत बड़ी है और उसका क्षेत्र भी बहुत बड़ा है, इसलिए यह आवश्यक है कि उत्तर प्रदेश को उसकी आबादी और क्षेत्र के मुताबिक
विकास की योजनाओं के लिए केंद्र से अधिक सहायता दी जाए।